कतरा नदी किनारे धंसते जा रहे मकान। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बड़ी बड़ी दरारों के घर में रहने को परिवार मजबूर है, कभी भी हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना। तो एक तरफ जोशीमठ, लखनऊ और आगरा इमारतें जमींदोज हो रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे पुरानी नगरी काशी में भी गंगा किनारे हजारों मकान टेढ़े मेढ़े होकर धंसते जा रहे हैं और जो स्थिति है वो बेहद विकट होती जा रही है। मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, इसके बावजूद इनमें रह रहे सैकड़ों परिवार पर जनहानि का खतरा बना हुआ है। वाराणसी नगर निगम कहता है कि 400 से अधिक घर जर्जर हैं और इसकी जिम्मेदारी भवन स्वामी की ही है। तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन ऐसे जर्जर और दरारों वाले मकान में रहने को मजबूर हुए लोग। तो वाराणसी से ये बड़ी जानकारी, तस्वीर भी आपको इस बात की तस्दीक कर रही है कि किस तरीके से मकान एक तरफ झुक चुका है। और खास बात तो यह है कि इन मकानों में अभी भी लोग रह रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ, और मकान की स्थिति क्या है ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपने बाएं हाथ की जाए तो आप देखिए बाएं और दाहिने दोनों ही तरफ जो मकाने हैं वो किस तरीके से बड़े बड़े क्रैक्स जो है वो मकानों में दिखाई दे रहे हैं और मकान एक तरफ झुकते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये हाल है वाराणसी शहर में 80 इलाके का, जहां पर की किस तरीके से मकाने एक तरफ झुक गई हैं और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। गंगा के किनारे ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में लगभग 500 से अधिक मकान हैं जो बिल्कुल खतरे के घेरे में हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि नगर निगम ये कह रहा है कि इन मकानों की ध्वस्तीकरण की बात भी हो रही है और अधिकतर मकान जो मरम्मत हो सकते हैं उनकी मरम्मत भी हो सकती है, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और लोग खतरों के बीच रहने को मजबूर हैं। तो सवाल ये उठता है क्या फिर इंतजार किया जा रहा है किसी हादसे का, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में हादसे हुए हैं उससे ये बात साबित हो रही है कि ये सारे हादसे कहीं ना कहीं लापरवाही की बड़ी सौगात है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। तो बड़ी बड़ी दरारों से घिरे इस मकान में किस तरह से लोग रहने को मजबूर हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी। भयावह है क्योंकि ये लेन अब जा रहा है पूरी तरह से जा रहा है और ये लेन यहाँ से लेके सामने घाट महेश नगर तक ये पूरी तरह से जा रहा है और ठीक इसी के आगे इसके बाद हम लोगों का लेन आता है दूसरी गली है और इस अगर ये आएगा पहले तो इसके बाद हमारी गली आनी है। तो ये भयावह स्थिति है और ये लगातार हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है, ये कम होता नहीं दिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ किया नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने केवल एक कोरम पूरा किया जो दिखाया है, वो पिछले साल दो साल हो गया, एक साल से ऊपर हो गया, उन्होंने बस एक वॉल पिचिंग करने की उन्होंने बात की थी, बस वो कोरम पूरा करके उन्होंने छोड़ दिया। बढ़ रहा है क्रैक, ये अभी इस बार अभी रुका है हल्का सा, लेकिन ये कब बढ़ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है क्योंकि अभी पानी नीचे जा ही रहा है, जैसे जैसे ये जल स्तर नीचे जाता है और जब ये जल स्तर नीचे जाने के साथ साथ जब जमीनें सूखती है नीचे तब इसका बढ़ाव होता है। महेश नगर के आसपास का इलाका है और यहाँ पर किस तरीके से लोग खतरों के बीच रहने को मजबूर है ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये देखिए, ये पूरी दीवार जो है एक तरफ झुकी हुई है और कभी भी ये गिर सकती है। नगर निगम ये दावा करता है कि हमारे पास वो लिस्ट है जहां पर कि जर्जर मकान है और हम खाली करवा रहे हैं और वहां पर मरम्मत का कार्य होगा, पर आप देखिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा घर जो है वो टेढ़ा हो चुका है नया बनने के बाद भी और यहां पर लोग रहने को मजबूर है। कितना आप लोगों को डर लगता है यहाँ पर रहते हुए? डर तो बहुत लगता है, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं लगेगा, लेकिन अब एक ही रूम है तो उसमें मजबूरी में रहना ही पड़ेगा हम लोग को। हमें ये मिट्टी के कटान के कारण ये हम लोग का घर जो क्षतिग्रस्त हुआ है। क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके बाद नगर निगम के लोग भी आए थे कि सब कुछ ठीक किया जाएगा, जर्जर मकान में नहीं रहने दिया जाएगा, तो कुछ हम लोगों ने 15 दिन धरना दिया, यहाँ कुछ नहीं हुआ, खाना पीना जल त्याग करके सारा कुछ, विधायक लोग भी आए थे और कुछ निर्णय नहीं लिया गया। तो आप बाल बच्चों को लेकर रहते हैं, कितना डर लगा रहता है? बहुत डर लगता है, हाँ मजबूरी में रहना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ की स्थिति क्या है इस पूरे मकान की,
सिर्फ ये नहीं, अगर आपको इससे बाहर भी ले जाएं तो आपको यहां से भी दिखाएंगे कि पूरा का पूरा इस इलाके के जो घर हैं वो किस तरीके से एक तरफ झुक गए हैं। जरा सा इस तरफ की दीवार को देखिए कि किस तरह से ये पूरा घर जो है एक तरफ झुका हुआ है और नया बना घर है। आप देखिए कि अभी इसकी जो सीलिंग्स है वो दिखा रही है कि नए बने हुए हैं और एक तरफ ये पूरा झुक गया है और ये हाल इस इलाके के लगभग हर घर का है। तो इस तरीके से एक तरीके से कहे कि लोग यहाँ रह रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को सुध नहीं है कि यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है और जनहानि भी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। तो वहीं काशी में बने जोशी मठ पर नगर निगम ने भी अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि कोर्ट से कोई रोक नहीं होती तो नियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है। अभी तक हमने कोई मकान गिराया नहीं और अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी भवन स्वामी की ही होती है। उसमें परीक्षण कराया गया है, जोन अधिकारी के स्तर पे संबंधित भवन का परीक्षण कराया गया है। उसमें सभी भवनों में या तो माननीय न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश पारित है या कुछ लिटिगेशन विवाद है जिसके कारण हम लोग इस पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। नगर निगम नियमानुसार अपनी कार्रवाई कर रहा है उसमें और जो हो सकता है और जैसा कि माननीय न्यायालय ने उसमें स्टे वगैरह लगाया हुआ है तो ये संबंधित भवन स्वामी का ही इसमें दायित्व बनता है कि उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसमें तो डर के साए में जीने को मजबूर है लोग, किस तरह से स्थिति है धरातल पर समझने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से दर दर मकाने हम देख रहे, जर्जर मकान है, दरारें पड़ी हुई हैं, उन मकानों में रहने को, डर के साए में जीने को मजबूर ये लोग, लेकिन कोई व्यवस्था, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। देखिए, पहली बात समझिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये जहां मैं खड़ा हूं इसके इस तरफ देखिए, जहां पर यानी कि लेफ्ट साइड में देखिए यहां पर गंगा बह रही है और यहां पर जो बोल्डर्स देकर के कुछ हद तक यहां पर रोकने की कोशिश की गई है। ये जो लकड़ी का आप नकली नुमा देख रहे हैं, यहां पर जाली लगी हुई है, यहां पर पत्थर लगे हुए हैं, इसे देकर के कटान रोकने की कोशिश की गई है। पर यह कोशिश नाकाफी है क्योंकि कोशिश कुछ दूरी तक की गई है जबकि दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात हैं इन मकानों के। आप देखिए यहां पर जो भी मकान देख रहे हैं एक तरफ झुकता जा रहा है और जो मकानों के पिलर्स है वो किस तरीके से झुक गए हैं, यानी कि गिरने वाले हैं ऐसा लग रहा है। कितने बड़े बड़े क्रैक्स हैं मकानों में वो साफ साफ दिखाई देगा आपको कि आप देखिए ये जो मकान है जहां पर आपको लोग रहते हुए दिखाई देंगे, यहां पर कपड़े सूख रहे हैं दिखाई देंगे, ठीक उसके बगल से देखिए कितना बड़ा क्रैक है और किस तरीके से मकान एक तरफ झुक जा रहा है, गंगा की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये सारी चीजें हो रही हैं कटान की वजह से। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कब से ये चीजें हो रही हैं और क्या हुआ अब तक इस पर? ये नगवा स्थित एसटीपी प्लांट के पास से ये हो रहा है और ये हो रहा है 2016 में एक बार हुआ था, फिर 2019 में हुआ है और फिर उसके ठीक अगले साल 2021 में भी ये पुनः ये हुआ है। और ये हुआ है यहाँ पे एसटीपी प्लांट की जो ये जो पाइपें लगी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो सीमेंट वाला पाइप है, ये सीमेंट वाला पाइप लगाया गया था जो कि पानी के आने से उसमें 5 करोड़ लीटर के पानी का प्रवाह जो चलता है उससे मट्टी जो है वो दलदल की तरह होता चला जा रहा है, वाइब्रेट भी हो रही है, वाइब्रेशन के कारण मकानों में दरार आ रहा है। ये बताइए कि कितना आप लोगों को डर लगा रहता है, कितने बड़े बड़े क्रैक्स हैं, मकान एक तरफ झुक रहे हैं, तो आप लोग जब रात में सोते हैं तो क्या चैन की नींद आती है? सर, चैन की नींद कहाँ से आएगी, अब परिवार है, परिवार को तो छोड़ के जाएंगे नहीं, ड्यूटी वाले ये बता रहे हैं कि चैन की नींद कहाँ से आएगी जब उनका घर इस तरीके से झुका हुआ है और इतने बड़े बड़े क्रैक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 8 के साथ।